वॉट इज मेडिटेशन? क्या घुचू की तरह बैठे रहना आंख बंद करके कुछ मिनट तक, कुछ घंटों तक, कुछ सालों तक या जिंदगी भर, वो मेडिटेशन है? मेडिटेशन है क्या? और वो हमें कैसे पता लग सकता है? वो तब पता लग सकता है जब आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हो। सही क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मेडिटेशन, नॉट हाउ टू मेडिटेट। हम जाते हैं लोगों के पास में जो हमें लगता है कि वो सेल्फ रियलाइज्ड है, एनलाइटेंड है, ये है वो है, उनके आगे हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं और बोलते हैं, गुरुजी हमें तो ये बता दो कैसे करना है मेडिटेशन। और सबका अपना अलग अलग स्टाइल है मेडिटेशन करने का, या नहीं है? कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा वो करो, कोई कहेगा, अब उसमें से क्या करोगे? हजारों लाखों अलग अलग तरीके हैं लोगों के मेडिटेशन करने के। जैसे एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड्स नहीं होते हैं, साबुन खरीदने जाते हैं उसके अलग अलग ब्रांड्स हैं, चुन लो आपको कौन सा चाहिए। और मजे की बात क्या है, एक बंदा दूसरे को काटेगा, वो कहेगा जो मैं बता रहा हूं वो सही है, वो गलत है। तारीफ थोड़ी करते हैं एक दूसरे की, क्या करोगे? फंस नहीं गए? लगे रहो जिंदगी भर, करते रहो कोशिश, कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले समझना है व्हाट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन को हिंदी में बोलते हैं ध्यान। तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। मैं ये बात पहले भी बहुत अपने अलग अलग सेशंस में बोल चुका हूं, ध्यान दो, करो मत। जब करोगे तो वो अपने आप में एक ट्रैप बन जाएगा कि आपको ना आंखें बंद करनी है और अंदर आपको यहां पर एक लाइट दिखेगी, फिर उसमें से ये होगा, फिर उसमें से आप निकलोगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। कुछ भी इमेजिन करते रहो, कभी भूले भटके कोई लाइट दिख जाएगी, वो भी क्या होगा, बाहर ना किसी ने लाइट जलाई और बंद कर दी और आपको लगा अंदर कुछ हो रहा है, वो कहोगे वापस क्यों नहीं हो रहा। अब आप उसी एक्सपीरियंस के पीछे भागते रहोगे तो क्या आप फंस नहीं गए हो? एक एक्सपीरियंस हो गया, अब उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या इसी वजह से हम दुखी नहीं होते हैं? आप समझ रहे हो, ट्रैप पकड़ पा रहे हो? आप चाहते हो टेक्निक, बेस्ट टेक्निक, जिसको आप फॉलो करो उसके बाद में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दिस इज व्हाट यू वांट। तो ऐसी अनलिमिटेड दुकानें हैं, कहीं पर भी जाकर के फंस जाओ, लगे रहो 10 साल, 20 साल, 50 साल, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने कभी समझने की कोशिश नहीं करी ध्यान क्या है। मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, ध्यान देना है, करना नहीं है। तो ध्यान देने का मतलब क्या है? ध्यान दो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, एक्चुअल में क्या हो रहा है आपकी बॉडी में। दैट इज मेडिटेशन। यानी कुछ खाते हो तो उसको खाने के बाद में कैसा फील होता है, दैट इज मेडिटेशन। इफ यू कैन बी अवेयर ऑफ द होल मूवमेंट, इफ यू कैन बी अवेयर ऑफ योर एक्शंस, कि मैं ये करता हूं उसकी वजह से ये होता है तो अब मुझे दोबारा नहीं करना है, अगर इतनी समझ आपके अंदर है तो यू आर इन मेडिटेशन। आपको अलग से बैठ के मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। और इतनी समझ नहीं है, बार बार एक ही गलती को आप रिपीट कर रहे हो, कुछ करते हो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर करते हो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर बीमार हो जाते हो। तो इसका मतलब अब आप बैठ करके चाहे घंटों तक मेडिटेशन करते रहो, कोई फायदा नहीं है। अब ध्यान को कैसे लगाते हैं एक जगह पर? दो ऑप्शंस हैं और ये दोनों ही ध्यान लगाना हमको आना चाहिए। एक है दुनिया में ध्यान लगाना। अगर दुनिया में आपको ध्यान लगाना आता है तो इस दुनिया में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। दुनिया में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, किसी का गैजेट्स में हो सकता है, किसी का पेड़ पौधों में हो सकता है, किसी का घूमने फिरने में हो सकता है, किसी का फोटोग्राफी में हो सकता है, किसी का पता नहीं कहाँ कहाँ हो सकता है, ब्यूटी में हो सकता है, ब्यूटी इज माई ड्यूटी, कहीं भी हो सकता है, जहाँ भी है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें ध्यान लगाना आसान होता है कंपैरेटिवली, वहाँ पर ध्यान लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता है। तो ध्यान का कनेक्शन किससे है? पैशन से, इंटरेस्ट से। ये बात देख पा रहे हो? जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस खेल में आपका इंटरेस्ट है, जिस स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, वहां पे ध्यान लगाना पड़ता है, लग जाता है, लग जाता है। और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, लगाते रहो, लगे रहो। तो ये है दुनिया में ध्यान लगाने का आउटकम, वो क्या है? सक्सेस, पैसा। लेकिन दुनिया में आप चाहे कितना भी आगे बढ़ जाओ, इट डज नॉट गारंटी मेंटल पीस। लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि ये सबसे बेसिक स्टेज है, लाइक किंडरगार्टन। अगर आपको ये नहीं पता कि इस दुनिया में ध्यान कैसे लगाना है और ध्यान लगा करके कैसे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो ये स्पिरिचुअलिटी, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, लव, सब बातें हैं। जो बंदा इतना नहीं कर सकता, यानी जो नर्सरी को क्लियर नहीं कर सकता, नर्सरी में पास नहीं हो सकता, वो क्या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जाएगा? तो नर्सरी क्या है?
जो आपकी बेसिक कंडीशनिंग है बचपन से, जैसा आपको प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या प्रोग्राम किया जा रहा है, देखिए सक्सेसफुल हो कैसे भी करके हो, हमें उससे मतलब नहीं है, पैसा लेकर के आओ, है कि नहीं, पूरी दुनिया यही प्रेशर नहीं डाल रही आपके ऊपर, तो अगर यही हम नहीं कर पा रहे सोचो कितना जरूरी है ये, तो बाकी तो सारी बातें हो गई ना। तो सबसे पहली मेडिटेशन क्या है, सबसे बेसिक लेवल की मेडिटेशन क्या है, ध्यान लगाना सीखो उस काम में जो आप करना चाहते हो और वहां पर सक्सेसफुल हो। और अगर फिर भी आप बोलते हो कि नहीं नहीं आपको पता नहीं है मेरी लाइफ की सिचुएशन क्या है, मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, करना तो पड़ रहा है ना, इंटरेस्ट हो या ना हो वहां पे ध्यान लगाना सीखो और अच्छा है। अगर आपको ऐसे काम में ध्यान लगाना आ गया जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको भी आपने अपनी पूरी ईमानदारी से किया, पूरे पैशन से किया और वहां पर आपने सक्सेस को अचीव कर लिया, तो अब आप तैयार हो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। अपनी बॉडी को कॉन्कर करो, अपने सेंसेस को कॉन्कर करो, बॉडी की तरफ ध्यान दो। बॉडी से हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन बॉडी पे हम बहुत कम काम करते हैं। जैसे एक है गाड़ी से काम करना, गाड़ी से कहीं जाना, एक है गाड़ी पर काम करना। गाड़ी पर काम करने का मतलब क्या हुआ, सर्विस हो गई, गाड़ी को मेंटेन करना हो गया, देखना हो गया कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई पार्ट को रिप्लेस करने की जरूरत तो नहीं है। ऐसे ही अपनी बॉडी को समझना शुरू करो, यहां पर ध्यान दो। इसके लिए आपको किस टेक्निक की जरूरत है बताओ, आपकी बॉडी को कौन समझ सकता है आपको। दिस इज स्टेप 2 ऑफ मेडिटेशन, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी की स्ट्रेंथनिंग, डाइट पे कंट्रोल, बॉडी की सही समझ, अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल। अब आ जाओ माइंड के ऊपर, 3rd स्टेज ऑफ मेडिटेशन, हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स। अगर इन दोनों को आप काफी हद तक कॉन्कर कर चुके हो, अब आप तैयार हो ये समझने के लिए कि माइंड क्या होता है, नॉट कि माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि जो चीज हमको समझ नहीं आती उसको कंट्रोल क्या खाक करोगे। आपने ये तो कभी समझा ही नहीं कि गाड़ी को चलाना कैसे है और आप कह रहे हो गाड़ी को कंट्रोल कैसे करना है। अरे पहले सीखो तो सही गाड़ी है क्या, आपको फर्क तो पता होना चाहिए ना क्लच और ब्रेक के बीच में। तो अब आप इस क्वेश्चन के साथ ठहर जाते हो, व्हाट इज माइंड, और यहां से आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में होता है, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। ये गया ऊपर से बाउंसर। देखो माइंड पीसफुल कैसे रहे हमारा, इसका जवाब कहां है, किसी किताब में है, किसी की बातों में है, कहीं नहीं है, ढूंढते रहो। जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, यानी कि आपका माइंड रेस्टलेस है, वहीं पर उसका आंसर है। दुखी हो तो उसका जवाब उस दुख में है, बट उस दुख के साथ हम ठहरते नहीं है, रेस्टलेस माइंड के साथ हम ठहरते नहीं है। वी वॉन्ट दैट माइंड टू बी पीसफुल इमीडिएटली, दैट इज द प्रॉब्लम। ये वही फर्क है जो एलोपैथी और आयुर्वेदा में है। एलोपैथी में क्या होता है कि आपको दर्द हुआ, ले बेटा गोली खा, दर्द गायब है कि नहीं, बट क्या वो गोली आपके लिए अच्छी है, ये पता है हमको, या बेटर क्या है कि उस दर्द का रूट कॉज क्या था। अगर दर्द यहां हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है, क्या फिजिकली कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो दर्द हो रहा है, या मैं कुछ उल्टा सीधा सोचे जा रहा हूं उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो वो जो मैं सोच रहा हूं, जब तक मैं वो सोचना बंद नहीं करता, वो दर्द तो वापस होता रहेगा। गोली खाऊंगा तो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा, फिर आ जाएगा। तो गोली खाना इज नॉट अ सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम के साथ ठहरना पड़ेगा ना, तभी तो परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। तो इस क्वेश्चन के साथ ठहरना पड़ेगा ना, व्हाट इज माइंड, व्हाट इज अ फीलिंग, व्हाट इज अ सेंसेशन, ये सेंसेशन क्या होती है, दो हाथ आपस में टच होते हैं तो एक सेंसेशन होती है, सेंसेशन क्या है, इस सेंसेशन के होने से क्या होता है, क्या हम अपने आप कुछ बोलते हैं जैसे ही कोई सेंसेशन होती है, और उस बोलने की वजह से क्या होता है। अगर सेंसेशन तो हो और हम अपने आप को कुछ बोले ना तो क्या होता है, ये सब दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये बात है, ये खुद ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। इस दुनिया में ध्यान देना और बॉडी पे ध्यान देना और माइंड पे ध्यान देने में क्या फर्क है, देखो ध्यान से समझ लो। दुनिया में आप कहीं पर ध्यान देते हो तो उसको समझते हो, समझने के बाद में एक्शन लेना पड़ता है, तब रिजल्ट आता है। फिजिकली एक्ट करना पड़ता है ना, सिर्फ पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, रिज्यूम बनाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, फिर जॉब भी करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते मुझे तो आता है, मैं काम नहीं करूंगा, मुझे आता है सर, मुझे सैलरी दो, मुझे आता है, देखो मेरे पास डिग्री है,
भाई तेरे पास कुछ भी है तुझे काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही बॉडी के केस में है, बॉडी में आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता है, क्या पता है तुझे कि हाँ ठीक है मसल्स को बनाना है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो पता होने से मसल्स नहीं बनेंगी, यू हैव टू एक्ट। डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डाइट को ठीक करना पड़ेगा, यानी कुछ करना पड़ेगा तब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एट द लेवल ऑफ माइंड कुछ करने की जरूरत नहीं, समझना ही काफी है, कुछ भी नहीं करना है, कोई मेडिटेशन नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। वी आर ऑब्सेस्ड विद प्रैक्टिसेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड इज कंट्रोल ऑफ द माइंड। जैसे एक भूत है जिसकी वजह से आप सब डर रहे हो, माइंड में और भूत में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि माइंड एक्चुअल में है ही नहीं। ये बात एकदम से झटका लगेगा, क्या मतलब माइंड नहीं है, माइंड से तो हम सब कुछ कर रहे हैं, माइंड में और भूत में कोई फर्क नहीं है। भूत मतलब क्या होता है, पास्ट। आपकी माइंड में से मैं मेमोरी निकाल दूं, आपकी ब्रेन में से मेमोरी निकाल दूं, कुछ सोच के दिखाओ कहां है पास्ट, कहां है फ्यूचर, कहां है थॉट, कहां है थिंकिंग। कैन देयर बी थॉट विदाउट मेमोरी? मेमोरी मतलब क्या, भूत नहीं है। प्रेजेंट की कहां मेमोरी होती है? आप कहते हो इस मूवमेंट की मेरे पास में मेमोरी है, तो जिसकी मेमोरी है वो पिछला मूवमेंट था, कुछ सेकंड पहले की आप बात करो, इस मूवमेंट में कहां है मेमोरी? तो व्हाट इज फ्रीडम फ्रॉम माइंड, व्हाट इज फ्रीडम फ्रॉम मेमोरी? अंडरस्टैंडिंग दैट मेमोरी इज नॉन एग्जिस्टेंट। भूत हो तो कुछ करो ना, ये पूरी दुनिया क्या कर रही है, माइंड से लड़ने की कोशिश कर रही है। माइंड है कहां, दिखाओ मुझे, ब्रेन है, माइंड कहां है दिखाओ, अपने थॉट से लड़ने की कोशिश, थॉट कहां है दिखाओ, थिंकिंग कहां है दिखाओ, व्हाट डू यू मीन बाय थॉट्स? कुछ आप अपने आप को ही बोल रहे हो, खुद ही बोल रहे हो, खुद ही उससे लड़ रहे हो। पहले खुद ही अपने आप को बोल रहे हो यानी कि कुछ सोच रहे हो, फिर खुद ही अपने आप को बोल रहे हो नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, तो टाइम पास नहीं कर रहे हो, समझे? उस भूत से हम लड़ रहे हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं। पूरी दुनिया क्या कर रही है, कई तरह के टोने टोटके, ये सब जितनी मेडिटेशन टेक्निक्स है ना वो टोने टोटकों के जैसा है, भूत को भगाने के, माइंड पीसफुल हो जाए। और जिसकी मैं बात कर रहा हूं मेडिटेशन, उसमें फर्क समझ आ रहा है वो कैसा है? उसके लिए यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक। दुनिया में सक्सेस का क्या मतलब है, उसी जगह पे ध्यान लगाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट है, चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल होने के। तो क्या ये जो मैं बातें कर रहा हूं इसमें आपका इंटरेस्ट है? अपने आप से पूछो, मुझे मत बताओ, है ना, कितनों का है इंटरेस्ट? है पैसे में इंटरेस्ट, है जो मोबाइल फोन आपके पास नहीं है उसमें? जहां इंटरेस्ट है वहीं पर आपका ध्यान है, तो वहां से ध्यान कैसे हटेगा? जब वो सब आप अचीव कर लोगे और देखोगे कि उसमें कुछ नहीं पड़ा है, यही एक तरीका है वहां से ध्यान हटाने का। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जो छोड़ देते हैं ना वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ध्यान हटाने का और कोई तरीका नहीं, सब करके देख लिया ठीक है अपनी अपनी जगह पर, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए आपको पीसफुल कर सकता है, बट दैट इज नॉट द परमानेंट आंसर। ये आपके अंदर से आपकी इंटेलिजेंस ने कहा, नाउ व्हाट इज द परमानेंट आंसर? अब आपका इंटरेस्ट इन चिंदी चीजों में नहीं है, बट यू आर नॉट अगेंस्ट दीज थिंग्स। मूवीज भी देख रहे हो, घूम फिर भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट योर इंटरेस्ट इज इन समथिंग एल्स, समझे? तो जहां इंटरेस्ट होता है वहीं पर ध्यान जाता है। तो इंटरेस्ट कहां आ गया हमारा, और कब इंटरेस्ट वहां से हटा उन सब चीजों से? तो कहते हैं ना दूर के ढोर सुहावने, तो शादी से इंटरेस्ट कब हटता है? ऑब्वियसली अब आया समझ में? कब हटता है तो पता नहीं कि क्या है ये, समझे? ऐसे ही माइंड को कॉन्कर करने का मतलब क्या, माइंड को पूरी तरह से समझ लिया। और जब हम पूरी तरह से समझ जाते हैं तो ये माइंड आप पे हावी नहीं हो सकता, ये आपके पीछे चलता है। जैसे भगवान शिव की आपने कहानियां सुनी होगी, भूतों की टोली उनके पीछे चलती है और लोगों के सर पे भूत चढ़े रहते हैं। तो भूतों से फ्री होने का क्या तरीका है? भूतों को मारना नहीं है, क्योंकि भूत हो तो मारोगे ना, मारोगे किसको? जो है, जो है ही नहीं उसको कैसे मारोगे? तो बिल्कुल ऐसा है स्पेस में अपना तलवार लेकर के काटते रहना, और अब मैंने काट दिया, मैंने अबे है क्या, देख तो आंख खोल करके, किसको मार रहा है? तो माइंड को समझ लेना मतलब माइंड से ऊपर उठ जाना, माइंड से फ्री हो जाना। माइंड से फ्री हो जाने का मतलब क्या है, कि कुछ ना सोचना? नहीं, अब कुछ भी आ रहा है माइंड उससे फर्क क्या पड़ता है, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा, अब आप फ्री हो गए माइंड से।
मुझे फर्क नहीं पड़ता है, समझे? दिस इज कॉल्ड बीइंग फ्री फ्रॉम माइंड. इसके बाद लास्ट लेवल रह जाता है, दैट इज आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, हु एम आई. ये फाइनल स्टेज है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है. जब इसमें इंटरेस्ट आ जाता है और यहां पर ध्यान वन पॉइंटेड हो जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन अंदर ही अंदर घूमता रहता है, हु एम आई, तो वहां से आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं. आपको दिखने लग जाता है आप कौन, आप जो होते हो वो आपको समझ आने लग जाता है. जैसी समझ आता है तो जो भी आप नहीं होते हो उससे जो आप चिपके पड़े हो वो सब छूटने लग जाता है. बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी इस शर्ट को आप बोलने लग जाओ, ये मैं हूं, और इसकी प्रैक्टिस करते रहो 20 साल तक 30 साल तक, तो क्या होगा? क्या आपको कोई भी डाउट होगा कि मैं ये शर्ट हूं या नहीं हूं? क्या कभी भी इसको क्वेश्चन करोगे? आप जो भी सोचोगे, जो भी कुछ करोगे, इसी के बेस पर सोचोगे कि मैं ये शर्ट, शर्ट गंदी हो गई, शर्ट को किसी ने फाड़ दिया, शर्ट मरने वाली है, शर्ट पैदा हो गई. ऐसे ये बॉडी है. तो जैसे जैसे ये जवाब आपके अंदर तक उतरता चला जाता है, तो आपको एक बड़ी कमाल की बात वहां पर नजर आती है कि आप जो एक्चुअल में हो वहां पर आपको पीसफुल होना नहीं है. उस लेवल पे आपकी पीस को डिस्टर्ब करने का कोई तरीका नहीं है. जैसे जैसे हमारी समझ वहां पर गहरी होती चली जाती है, ये बात गहराई से हमको समझ आती चली जाती है, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअली, एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड, दैट इज कॉल्ड परमानेंट हैप्पीनेस. सो यू डोंट हैव टू अचीव happiness, you just have to understand that my very nature is happiness.